नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, मंडे को बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है, ऊपर की डायरेक्शन दिख रही है या नीचे की डायरेक्शन दिख रही है, तो हम इसमें सारे लेवल के बारे में बात करेंगे। दूसरा, जो भी हमारे दोस्त सज्जन यहाँ पर पहली बार चैनल को देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे कंटिन्यू बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस की वीडियो मिलेगी। ऑप्शन ट्रेडर्स अगर आप हो तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत काम आने वाली है। तो चलिए, जैसा अभी हम बात करते हैं कि फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने किस तरह से ट्रेड किया। तो यहां पर देखिए, ये कैंडल जो अभी भी जो एक कैंडल बनी है, ये फिर एक अनडिसीजन कैंडल बनी हुई है। डोजी के बाद जो है फिर एक अनडिसीजन कैंडल बनी हुई है, बट इस कैंडल ने जो एक गैप यहां पर क्रिएट हुआ था 23,600 के लेवल के ऊपर, 23,600 से लेकर 23,800 के बीच में एक गैप था, तो वो नियर अबाउट 160-170 पॉइंट्स का गैप था। तो फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको कल की वीडियो में क्या बताया था। चलिए मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूं। ये देखिए, मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है, और 15 मिनट का चार्ट ओपन करके हम यहां पर जो है 15 मिनट की ये पहली कैंडल पर आते हैं। ये पहली कैंडल 15 मिनट की, 9:15 की। तो देखिए, मैंने आपको उस वीडियो में क्या बताया था कल की वीडियो में, कि फ्राइडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड करना है। आपको मैंने बहुत क्लियर कट बताया था कि जैसे ही 24,300 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, कुछ टाइम तक सस्टेन हो जाता है, मीन्स 4 to 5 मिनट्स यहां पर सस्टेन हो जाता है 24,300 के ऊपर, तो हम लोग जो है बैंक से की साइड में जाएंगे। और अगर बैंक निफ्टी 24,000 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है, तो हम वहां पर क्लियर कट सेल साइड में जाने वाले हैं। ऐसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यहां पर आप देखिए, 24,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट ने नियर अबाउट 24,610 615 का जो है लो लगाया। तो मतलब हमको यहां पर 400 पॉइंट का, मतलब हमको हमारी एनालिसिस के हिसाब से हमको यहां पर गेन मिला है। और दूसरी बात, मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर टाइमली मैं अपडेट करते रहता हूं कि जो है मार्केट की कंडीशन इस समय क्या है और डायरेक्शन क्या हो सकती है, और वहां पर मैं आपसे कुछ ट्रेड भी अपने जो है शेयर करता रहता हूं। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो जाके जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहां पर मैं जो है मतलब कंटिन्यू आधे आधे घंटे पर आप लोगों को मैं बैंक निफ्टी की अपडेट देते रहता हूं, कि मार्केट जो है मतलब अभी किस कंडीशन में है, मार्केट की जो है डायरेक्शन अप लग रही है या डाउन लग रही है। मैं चार्ट वगैरह आपको वहां पर कंटिन्यू पोस्ट करते रहता हूं। सो आप लोग, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो आप लोगों के लिए ये टेलीग्राम चैनल जो है मतलब एक समझ लीजिए आपको एक डायरेक्शन दे देगा, कि मतलब बैंक निफ्टी किस दिशा में जा सकती है या फिर अभी हमको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। वहां पर मैं अपने कुछ पर्सनल ट्रेड भी शेयर करता हूं। सो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक को जो है क्लिक करके आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर 30,000 से प्लस जो है वहां पर मेंबर्स ऑलरेडी वहां पर ज्वाइन है। तो चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि 24,300 के ऊपर हमने बाइंग साइड को जाना है, और 24,000 के लेवल के नीचे हमने सेल साइड को जाना है। सो देखिए, पहले तो हमने यहां पर एक बाइंग का ट्रेड बनाया था जब मार्केट यहां पर ओपन हुई थी। तो देखिए, 9:15 पर मार्केट यहां पर ओपन हुई थी, बट यहां पर एक हमको कुछ पॉइंट ही मिल पाए। देखिए, मैं जो है पर्सनली 1 से 2 मिनट के कैंडल में काम करता हूं, सो मेरे लिए इतनी मूव बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। तो मेरे को अगर 24,000 पे भी यहां पर एंट्री अगर मिलती है, 24,150 के नियर अबाउट, तो मार्केट ने जो हाई लगाया था 24,277 का, तो 100-150 पॉइंट जो है एक ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन बायर, ऑप्शन राइटर के लिए बहुत होते हैं, ठीक है। आपको अपना ट्रेड जो है टाइमली बुक करना आना चाहिए, आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। सो हमने पहला ट्रेड जो है बाइंग साइड में बनाया था, कॉल हमने बाय करी थी, तो हमने यहां से प्रॉफिट जो है अपना निकाल लिया था। उसके बाद जैसे ही ये लेवल इधर ब्रेक हुआ है, यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन भी आप लोगों को ड्रॉ करके बताई थी, कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो इसको मैं 5 मिनट के चार्ट में आपको लेके चलता हूं, और यहां पर आपको जो है पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। अब यहां पर देखिए, ये हमारी जो है 9:15 की ओपनिंग है, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं रेड कलर वाली, ये जो हैमर कैंडल बनी है, ये 9:15 की कैंडल की ओपनिंग है। अब देखिए, मार्केट जो है पहले से ही हमको यहां पर एक ट्रेंड लाइन दे चुका था, और ये जब मार्केट ओपन हुई है तब हमको एक और ट्रेंड लाइन मिल गई है। अब इसी ट्रेंड लाइन को हमने एक्सटेंड किया, और जैसे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, तो मैंने यहां पर सेल की एक एंट्री बना ली थी। तो देखिए, हमने अब यहां पर सेल की एंट्री बनाई, और यहां पर कुछ पॉइंट हमने जो है 24,000 के लेवल पर जब मार्केट आई, तो यहां पर हमने ये ट्रेड अपना बुक कर लिया था। बिकॉज 24,000 के लेवल से मार्केट यहां से रिवर्स भी हो सकती थी, और क्योंकि यहां पर देखिए एक जो है बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट कह सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 24,000 का,
तो हमने यहां पर अपना एक ट्रेड जो है दूसरा ट्रेड बुक कर लिया था। तो तीसरा ट्रेड जब मार्केट ने 24,000 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन करना स्टार्ट किया तो हमने अपना अगला ट्रेड बनाया 24,000 की जो है पुट हमने बाय करी। तो 24,000 की पुट ने हमको बहुत अच्छा यहां पर करके दिया। नियर आउट हमने 470 में लिया था और उसने जो है 800 प्लस जो है मतलब वो गया था। तो देखिए मैं आप लोगों से जो है देखिए लॉजिकली बात करता हूं, आपको जो मैं टेलीग्राम पर जो चार्ट भी पोस्ट करता हूं वो भी टोटली लॉजिकल होता है। आप लॉजिक को समझिए, जब आप लॉजिक को समझना शुरू कर देंगे तो आप जो है मतलब कंटिन्यू प्रॉफिट बनाना चालू कर देंगे। देखिए मार्केट में पैसा कमाना इतना कोई मुश्किल नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर जो है पैसा नहीं बनाते हैं। देखिए पैसा बनाना बहुत आसान है, आप जो है प्रॉपर अगर मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, अपने रूल्स अपने डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो यहां से पैसे बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। बस आपकी जो है एनालिसिस परफेक्ट होनी चाहिए। चलिए अब हम जो है मतलब कल के बारे में बात कर लेते हैं कि मंडे के सेशन में मार्केट किस तरह से काम कर सकती है। तो मैं आप लोगों को पहले 15 मिनट के चार्ट में ही लेकर चलूंगा, सॉरी 30 मिनट के चार्ट में लेकर चलूंगा और 30 मिनट के चार्ट में हम एनालिसिस करेंगे। तो अब यहां पर हम देखेंगे, ये देखिए एक हमारा 24,000 का जो लेवल था, तो 24,000 के लेवल पर सपोर्ट था। मार्केट ने फाइनली जो है बैंक निफ्टी ने 24,000 का लेवल ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद देखिए हमको ये था कि एक ये सपोर्ट यहां पर आ रहा था, ये देखिए ये एक सपोर्ट था कि मार्केट यहां से बाउंस बैक कर सकती है, ठीक है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको चार्ट बड़ा करके दिखाऊं, यहां देखिए ये जो बीच का एरिया है ये 150 पॉइंट्स का यहां पर एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो ये 150 पॉइंट्स का एरिया था। तो मुझे तो यहां पर एक मतलब डाउट था कि मार्केट बैंक निफ्टी जो है एक गैप फिल करने के बाद फिर एक बाउंस बैक कर सकती है। तो फाइनली सेम वही हुआ, बैंक निफ्टी ने यहां पर जो है बैंक ये आप जो गैप अप देख रहे हैं, गैप अप ओपनिंग हुई थी, इस गैप को पूरा फिल किया और गैप फिल करने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू अप ट्रेंड को जो है अप ट्रेंड की तरफ निकल पड़ा। अब देखिए अब हमारे पास क्या ऑप्शन है मंडे के लिए, मंडे के सेशन के लिए अगर हम देखें, आप यहां पर देखिए मैं आपको आपके सामने एक ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए अगर आप यहां पर देखेंगे तो मार्केट जो है बैंक निफ्टी कंटिन्यू जो है एक नीचे की तरफ दिशा आपको दिखाई दे रही होगी बैंक निफ्टी की। और अगर हम इसको हम देखें आरएसआई, तो आरएसआई जो है ऊपर की तरफ जो है इशारा इंडिकेट कर रहा है। सो मतलब आप यहां से समझ सकते हैं कि क्या यहां पर होने वाला है। ये देखिए ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है और बुलिश डाइवर्जेंस मेरे अब देखिए मैं आपको यहां पर सबसे पहले बता दूं कि अगर मार्केट यहां पर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग मिलती है या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आप लोगों को क्या करना है, हमको क्या करना है। देखिए अब यहां पर अगर गैप यहां पर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे कि 24,000 का लेवल क्रॉस करे अगर हम बाइंग साइड जाना चाहते हैं। तो यहां पर फ्लैट ओपनिंग के बाद हम 24,000 के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी फिर हम इसको जो है हम बाइंग साइड जाएंगे और वहां पर हमारा पहला टारगेट होगा 24,300 का और दूसरा टारगेट होगा नियर अबाउट 24,500 का। अब देखिए ये तो थी फ्लैट ओपनिंग की बात। अब यहां पर अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है और मार्केट आपको कहीं 24,200 या 300 के लेवल पर मिलती है तो यहां पर आपको एक वेट करना है। वेट किस चीज का करना है, कैंडल कंफर्मेशन का। अगर यहां पर कोई शूटिंग स्टार कोई कैंडल दिखती है या फिर कोई बियरिश एंगल्फिंग दिखती है तब हम यहां पर सेल साइड में जा सकते हैं। अदरवाइज यहां पर 24,300 पर आने के बाद मार्केट यहां पर छोटी छोटी रेड कैंडल्स बना रहा है और फाइनली यहां से एक ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद हम बाइंग साइड जाएंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, देखिए अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहां कहीं आपको मार्केट मिल जाती है 23,600 23,700 के लेवल पर तो हम यहां पर देखिए उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए बिल्कुल क्लियर कट आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। यहां पर देखिए यहां पर एक ये लो लगा हुआ है। अब दूसरा समझ लीजिए कि मार्केट यहां से गैप डाउन ओपनिंग हो गई, मान लीजिए यहां ओपनिंग हो गई, यहां ओपनिंग होने के बाद फिर मार्केट यहां से इस तरह से रिवर्स कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहां पर जो है आपको एक यहां पर डबल बॉटम पैटर्न मिल जाएगा। डबल बॉटम पैटर्न मिलने के बाद यहां मार्केट जो है फिर दोबारा बाउंस बैक कर सकती है, ठीक है। सो अब हमको ये देखना है कि मतलब हमने अपनी जो है एंट्री किस तरह से लेनी है, हमने कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये जो पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस हम जो चूज करते हैं ये चूज करते हैं हम डे के हिसाब से कि आज अगर वेडनेसडे है या फिर फ्राइडे वेडनेसडे है तो हम 100 पॉइंट्स का हम गैप रखते हैं। मीन्स अगर 24,000 पर मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है तो हमने बाइंग करनी है तो हम 24,100 की हम कॉल बाय करते हैं। तो इस तरह से क्राइटेरिया है तो मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, ठीक है, उसके लिए आप पेशेंस रखिए। अब दूसरा देखिए मार्केट में एक और क्या सीन हो सकता है, अगर मार्केट में कुछ ज्यादा ही कोई बैड न्यूज आ जाती है
तो जो आज का जो लो लगा हुआ है 23,600 का, तो 23,600 के नीचे कम से कम हमको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिल जाए, फिर हम सेल साइड जा सकते हैं। हमारा टारगेट ये हो सकता है 23,000 का। मार्केट आपको यहां पर देखने को मिल सकती है 23,000 पर भी। सो देखिए, अब यहां पर मैंने बिल्कुल क्लियर कट आपको बता दिया है। मैं आप लोगों को एक बार और जो है बता दूं कि किस तरह से जो है हमको मंडे को हम ट्रेड कर सकते हैं। पहले मैं ये सब चीजें डिलीट कर देता हूं, आप लोगों को जो है देखने में आसानी होगी। तो यहां पर पहले मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है। तो अब देखिए, एक देखिए, एक जो हमको कंफर्मेशन मिलेगी, कंफर्मेशन जो है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तो एक हमारी वो मल्टी कंफर्मेशन हो जाती है। अब दोबारा देख लीजिए क्या करना है। अगर यहां पर फ्लैट ओपनिंग होती है, मान लीजिए अभी मार्केट जो है 24,000 23,900 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और फ्लैट ओपनिंग होती है 23,910 या 23,900 के आसपास ही कहीं ओपनिंग होती है, तो हमने जो है 24,000 की क्लोजिंग के ऊपर हमने बाइंग करनी है, ठीक है। ये तो फ्लैट की कंडीशन में हमने करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, यहां पर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो गया और यहां पर कंटिन्यू सस्टेन करने लगा, सस्टेन करने के बाद एक बड़ी कैंडल बनी यहां पर नीचे की तरफ, तो हम वहां पर सेल की तरफ आ जाएंगे। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, 23,900 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 23,700 के पास आके गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए 23,800 खुलता है, 23,800 पर खुलने के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है और 23,700 के पास पहुंच गया, या ये जो लो लगा हुआ है 23,600 के पास जो है मतलब पहुंच गया, तो यहां से जो है एक बाइंग आ सकती है, क्योंकि यहां पर जो है डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। तो डबल बॉटम पैटर्न जो है एक समझ लीजिए एक आपको बुलिश साइन दे देगा ऊपर की तरफ जाने के लिए। बट देखिए, आपने जो एंट्री है, एंट्री बहुत सोच समझ के लेनी है, कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेनी है, विदाउट कंफर्मेशन आपने एंट्री नहीं लेनी है। तो चलिए आइए, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो यहां पर देखिए एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में देखिए अभी हमारा कोई व्यू नहीं है, एक्सिस बैंक में हम ट्रेड करेंगे। ये देखिए एक ऊपर का लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल लेवल है, तो ये जो 530 का लेवल निकालेगा फिर हम इसमें हम बाइंग साइड जा सकते हैं। दूसरा है बंधन बैंक, बंधन बैंक में भी अभी ऐसा कोई व्यू नहीं है। पहले मैं आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ये ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आ सकती है, यहां पर कहीं अगर आपको मिलेगा तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अभी ये देखिए कंटिन्यू जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, ये एक रेंज बन चुकी है। मैं आपको इस तरह से ड्रॉ करके दिखा देता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ये एक रेंज बनी हुई है। अब इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम बायर बन जाएंगे, नीचे की तरफ निकलेगा तो हम सेलर बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक में भी कोई मेरा व्यू नहीं है। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक को हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ है नियर अबाउट 1150 के लेवल से, ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यू मार्केट जो है ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो फाइनली हमको जब मार्केट फिर यहां पर 1150-60 के लेवल पर मिलेगी फिर हम इसको बाइंग करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए अभी एक सपोर्ट लेवल पर ही खड़ा है, हम इसको बाइंग करेंगे 400 के लेवल के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आईडीएफसी बैंक, इसमें अपना कोई व्यू नहीं है अभी। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक, इसमें भी अपना कोई व्यू नहीं है अभी। नेक्स्ट है कोटेक बैंक, कोटेक बैंक में जो है नजर बना के रखिए, कोटेक बैंक जो है बहुत अच्छा आपको मूव दे सकता है। यहां पर देखिए, यहां पर एक बहुत अच्छी रैली हुई थी 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर देखिए जब एक बहुत बड़ी रैली हो जाती है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, तो उसके बाद मार्केट को किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को जो है उसको डाइजेस्ट करने का थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो यहां पर देखिए एक बहुत अच्छी रैली हुई 27 अक्टूबर को, उसके 3 दिन से मार्केट जो है कंटिन्यू इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अब फाइनली हमने ट्रेड करना है, जैसे ही मार्केट 1600 का लेवल ब्रेक करेगी वैसे ही हम इसमें जो है बाइंग की एंट्री बना लेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1600 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें स्विंग की ट्रेडिंग की भी जो है पोजीशन अपनी बना सकते हैं। इस पे ध्यान बना के रखिएगा, ये आपको जो है बहुत अच्छा पैसा देने वाला है। नेक्स्ट है हमारा पंजाब नेशनल बैंक, इसको मैं देखता ही नहीं हूं। नेक्स्ट है आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक भी एक रेंज में है, ऊपर की रेंज 188 है, नीचे की रेंज 160 है। जब ये लेवल ब्रेक होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो हम बायर या सेलर बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसबीआई, तो एसबीआई भी देखिए अभी कंटिन्यू एक रेंज में ही चल रहा है। अभी मैं आपको यहां पर देखिए एक सपोर्ट लेवल पर यहां पर खड़ा है, तो अब ये लेवल जब ये ब्रेक करता है, जब ये 185 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको जो है ये 175 का लेवल दिखा सकता है। देखिए अगर आप हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं सपोर्ट ग्रुप में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एंजल ब्रोकिंग या फिर अलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो है सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, प्लस आपको जो है सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट क्या है, देखिए मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूं, ऑप्शन बाइंग भी करता हूं, ऑप्शन राइटिंग भी करता हूं, ठीक है ना। ये मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट में किस तरह की कंडीशन चल रही है, बाइंग की चल रही है
या फिर ऑप्शन राइटिंग की चल रही है, तो मैं जो भी ट्रेड मैं खुद करूंगा वही सेम ट्रेड में आप लोगों को दूंगा करने के लिए। जिस ट्रेड से मैं प्रॉफिट बना रहा हूं वही सेम ट्रेड में आप लोगों को दूंगा, आप भी इसमें ट्रेड करिए, ठीक है ना। तो मतलब उसके लिए आपको सिर्फ हमारे साथ अकाउंट ओपन करना है और सेम अकाउंट में ट्रेडिंग करनी है। इसके बाद आप जो है मेरी पर्सनल कॉल आप लोगों को मिल जाया करेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक करिए, अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करिए। बाकी जो भी जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।